एक लाइन तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई। 1 2 3 अबे मैंनी तो मैंनी तो मैं या तू नहीं तो और कौन बहन, कम ऑन। हसल कर तू हसल कर, वी हसल हार्ड। अबे मैंनी तो मैंनी तो कौन मैं, हां हां मैंनी तो कौन मैं, बोल 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 मैंनी तो कौन मैं, है कौन इधर सृष्टि नहीं तो कौन। नहीं कर पाई ना डिस, बोला ना मैं रैक रैपर है, रैक रैपर। You killed it, यार पहले नंबर लो यार। Thank you. सही है। खड़े हो जाओ। खड़े क्यों? तू बैठे क्यों? सृष्टि आए, बैठना नहीं, हम बैठना नहीं। 1 2 3 अबे मैंने तो मैंने तो कौन मैं? आप प्योर आर्टिस्ट हो, पता है? प्योर आर्टिस्ट। इस बंदी की लिखने की और याद करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो अच्छे अच्छों में नहीं है, मतलब शी इज ब्लेस्ड विद इट। आप जब परफॉर्म करते हो ना, आपकी बॉडी में होती है वो चीज, और आप यहाँ से सिर्फ बोल रही होती हो। ये मैंने विकेट सनी को भी देखा है करते हुए, भाई बहुत काबिले तारीफ है ये चीज करना। मतलब एक तो होता है दुनिया मुंह पे किसी के चांटा मार देना जवाब का, ये मुंह पे जूता था जिसके भी आपका शो पे नहीं, आपका शो के बाद शुरू होगा, पता है? You gonna kill it. कभी मत छोड़ना प्लीज। नहीं छोड़ूंगी। I don't know how many hours I'll need to digest this performance of yours. आप रैप नहीं करते हो, you create magic. You're an alchemist. Your brain is a philosopher's stone. Whatever you touch becomes gold instantly. Thank you. This is a real me lyrical week, and this is made for you. I mean seriously, I've not seen anything like this. Last week 9 मिले थे, plus one. Thank you. मेरे लिए हिप हॉप का एक स्टोरी टेलिंग वाला जो वाइब है वो मेरा फेवरेट है, व्हेन अ सॉन्ग हैज स्टोरी टेलिंग, एंड यू आर लाइक द क्वीन ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपने तो अपना छोड़ के हर एक जन के पर्सनालिटी को क्या फ्लॉलेसली किया है, उनका टोन से लेके हर एक चीज। Whoever she gave a shout out to, it was almost like they are only rapping, like you are rapping with them. MC Square तो बिल्कुल ही वही था, एक टांग बाहर पूरा तुमने आ भी पकड़ा तुमने। कोई है जो बेटा उड़ने को तैयार, और वो एक टांग रखा खिड़की तक बाहर, अनके मिलिया बड़ी देख छोरा लंबरदार, सारे देखा घूर अब मिलियन ते नंबर पार। या तू नहीं तो और कौन बहन, कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सृष्टि, जब हिप हॉप में सिर्फ ये बातें हो रही थी कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, हिप हॉप को मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ, 80s की 90s की बात कर रहा हूँ, तब एक लड़का आया था हिप हॉप में जो वो सारी चीजें कर रहा था जो हिप हॉप के गैंगस्टर लोगों को पसंद नहीं था, उसका नाम था Eminem। यू आर लाइक Eminem, आई मीन एग्जाम्पल हाउ यू मिमिक एवरीवन। वो कोई हलवा नहीं बट रहा है यहाँ पर भाई, ये रियाज और प्रैक्टिस से आता है बहुत ज्यादा। और जितने लोग भी ये देख रहे हैं, प्लीज ब्रो करने की कोशिश करना, मुझे बताना कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं। नहीं वो फिर पता क्या बोलेंगे, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं हार्ड करता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। और इतना अच्छा है ना किंग कि अपन लोग सब ये बात कर रहे हैं और ये हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहा है ये शो, कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग हार्ड एंड बीइंग एंग्री ऑल द टाइम। और मुझे इस पे कहते हैं सर, As a hip-hop fan, this is also a culture of hip-hop and we want the hustler to diss each other. और diss track होता क्या है? क्यों किसी को diss करता है? तो मैंने एक example दिया, मैंने वो लड़का देख रहा उसको थप्पड़ मार गया। तो कोई reason होना चाहिए ना? तो diss track, disrespect क्यों करूं मैं किसी को? जब मुझे सब लोग respect दे रहे हैं, why would I disrespect someone? आज एक काम करते हैं, आज इनको बिठाते हैं, जब हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं। कुश्ती, मैंने मेरे comments सही नहीं। I have no comments to you. Please बोलो। नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है भाई। मेरे माँ बाप को सुनना है। एक लाइन, तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई।